नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा खासे चर्चे में है। अभी का कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर के लोकसभा में सवाल पूछने का मामला उछला ही था, इसी बीच में कुछ निजी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ में शशि थरूर भी दिख रहे हैं। खैर, महुआ मोहित्रा चर्चे में रहती हैं, जवाब भी अपने अंदाज में देती हैं, सो इस निजी फोटोग्राफ को लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि आधा क्यों दिखा रहे हो, पूरे फोटोग्राफ को दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो है वो दिखना चाहिए। आखिरकार ये महुआ मोहित्रा है कौन जो इतना बेलौक बोलती हैं, डरती नहीं है, दहाड़ती रहती हैं? तो आपको बताएं कि महुआ मोहित्रा का जो राजनीतिक करियर शुरू होता है वो 2010 टीएमसी ज्वाइन करने के साथ होता है। 2008 और उससे पहले ये जो है जेपी मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। 2008 में ही इन्होंने रिजाइन दिया, चूँकि राजनीति में आने का इन्होंने मन बना लिया था। दो साल तक संघर्ष किया, फिर 2010 में ये टीएमसी ज्वाइन की और 2016 में करीमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से ये चुनाव लड़ी और भारी मतों से जीत करके लोकसभा में पहुँची। लोकसभा में सिर्फ इन्होंने दस्तक ही नहीं दिया, दस्तक देने के साथ ही ये भाषण के मामले में, सरकार की घेराबंदी के मामले में अमिट छाप छोड़ी और काफ़ी आक्रामक सोशल मीडिया पर भी रहती हैं और लोकसभा में भी रहती हैं। लेकिन अब जो मामला आया है पैसे लेकर के सवाल पूछने का, उसको लेकर के वो घिरती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हीं के कभी सहयोगी रहे वकील जय अनंत देहदराई ने सबूतों के साथ एक चिट्ठी लिखी है। कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी सीबीआई को भी भेजी गई है और इसी इन्हीं सबूतों के आधार पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर से शिकायत की है कि इन्होंने पैसे लेकर के सवाल पूछे हैं। ऐसा ही केस 12 दिसंबर 2005 में हुआ था, जब कैश फॉर क्वेरी प्रकरण में 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। मामला उसी से मिलता जुलता है कि कुल इन्होंने 61 सवाल पूछे हैं, जिसमें कि 50 सवाल अडानी को लेकर के है और ये सब कुछ जो पूछा गया है वो दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश लेकर के यानी कि रिश्वत लेकर के ये सवाल पूछे गए हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा है। तो ये है महुआ मोहित्रा का राजनीतिक और प्रोफेशनल करियर, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।